गुलाम टीवी प्राइम टाइम समाचार में आपका स्वागत है। बिहार में 10 जिलों को बाढ़ घोषित कर दिया गया है। बिहार में लगातार कोरोना संक्रमण के बाद अब बाढ़ का भी खतरा मंडरा रहा है। बेगूसराय जिले में बूढ़ी गंडक नदी के बढ़ते जलस्तर और बाढ़ की भयावहता के बीच तटबंध का रिसाव भी शुरू हो गया है। बीते रविवार की देर रात बसेही गांव में तटबंध का रिसाव शुरू हो चुका है, जिसके बाद सोमवार को जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने निरीक्षण किया, साथ ही आसपास के लोगों को इससे नहीं डरने की बात कही। अधिकारियों ने रिसाव स्थल का लिया जायजा। ग्रामीणों की ओर से रिसाव की सूचना पर जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा के अलावा एडीएम मोहम्मद ब्लागुद्दीन मंझोल के एसडीओ दुर्गेश कुमार, बीडीओ कर्पूरी ठाकुर और सीओ राजीव रंजन चक्रवर्ती ने निरीक्षण किया। अधिकारियों ने बताया कि रविवार की रात में बसेही में बांध से पानी का रिसाव हुआ है। इस दौरान सभी अधिकारियों ने उस स्थल का निरीक्षण करने के बाद जल संसाधन विभाग के अधिकारियों से वहां की स्थिति पर विचार विमर्श किया। डरने जैसी कोई बात नहीं है, जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने कहा कि तटबंध के ऐसे संवेदनशील स्थानों पर प्रशासन की पैनी नजर है। हम सभी लगातार ऐसे स्थानों की निगरानी कर रहे हैं। वहीं कटाव निरोधक कार्यों में लगे विभागीय इंजीनियर का मानना है कि जिस स्थान पर पानी निकला है वहां रेनकोट को भरकर प्लास्टिक शीट लगाकर मिट्टी भरी बोरियों से दुरुस्त कर दिया गया है। हालांकि अधिकारियों ने जायजा लेने के बाद ग्रामीणों से कहा कि डरने जैसी कोई बात नहीं है, अफवाह पर ध्यान नहीं देने की अपील की गई। डीएम ने क्षेत्र के लोगों से अफवाहों से बचते हुए बांध की निगरानी में सहयोग करने की अपील की। उन्होंने कहा कि नदी तटबंधों के संवेदनशील हिस्सों पर नजर रखी जा रही है, साथ ही बाढ़ से बचाव के लिए आवश्यक कार्य किए जा रहे हैं। दबाव वाले स्थल पर किया जा रहा है कार्य। निरीक्षण के दौरान डीएम अरविंद कुमार वर्मा ने प्रशासनिक अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रहने का आदेश दिया है। सर, आप यहाँ पे बिदुलिया भी आए हैं और यहाँ लगातार कटाव हो रहा है, प्रशासन की ओर से क्या मदद किया जा रहा है? मतलब देखे जा रहा है कि अभी जो रिपेयरिंग वर्क हो रहा है, साइड बोरा दिया जा रहा है, सेल फिलिंग किया जा रहा है, एक कटाव नहीं हो और रेल कट हुआ उसका पैचिंग किया जा रहा है। सर, बाढ़ को लेकर प्रशासन की ओर से यहाँ क्या मदद किया जा रहा है? अभी बूढ़ी गंडक में पानी का स्तर लगातार बढ़ रहा है, खतरे के निशान से पानी ऊपर चला गया है, लेकिन स्थिति हम लोग देख रहे हैं थोड़ी सी तनावपूर्ण हो गई है, लोगों में दहशत का माहौल हो गया है, लेकिन रेस्क्यू इंजीनियर साहब, उनके एडिशनल एसडीओ साहब सब लोग यही हैं और उनके उनसे जो बात की थी तो पता चला कभी घबराने कोई बात नहीं है। थोड़ा बहुत क्योंकि बात पर नया मिट्टी डाला गया था तो जलस्तर बढ़ने पर थोड़ा सा इरोजन हो रहा है, उस पर ये लोग देख रहे हैं, फ्लड फाइटिंग का काम चल रहा है, बोल रहे हैं कि इसमें कोई बात अभी नहीं है। और आम लोगों को भी एक मैसेज हम देना चाहेंगे प्रशासन से, पूरा प्रशासन, ब्लड डिपार्टमेंट, सामान प्रशासन, पुलिस प्रशासन, सब लोग आप लोग के साथ हैं। हम लोग जी जान लगाएंगे, कहीं भी आपको परेशान नहीं होने देंगे जी। और यहाँ स्थानीय लोगों से भी, जनप्रतिनिधियों से भी आग्रह है कि आप लोग भी एक जागरूक रहिए, लगातार अपना भी मॉनिटरिंग करते रहिए। एक अपनी एक आंतरिक यहाँ कमेटी भी बना लीजिए कि समय समय पर हम लोगों को भी सूचनाएँ देते रहेंगे और उसके बाद से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करवाएंगे। छोटे बच्चे यहाँ बांध पर नहीं आए खेलने के लिए, इसका विशेष ध्यान देंगे, नहीं तो इसमें अशुभ घटना हो जाती है, दुखद घटना हो जाती है। और बिना मास्क का कोई व्यक्ति नहीं है। सर, यहाँ नाव का क्या व्यवस्था किया गया? स्थानीय स्तर पर चूंकि नाव उपलब्ध नहीं है, लेकिन ऐसी स्थिति आएगी पूरे जिले में नाव को चिन्हित करके हम लोग रखे हुए हैं। सरकारी नाव हमारे यहाँ दो है, बगल के ब्लॉक में भी हमारे पास दो सरकारी नाव है, 3 प्राइवेट नाव है, बाकी जिला में कुल मिलाकर 150 से ऊपर नाव की पहचान हो गई है, जिनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है और उनसे हम लोग अनुबंध करा लें। इंकलाब टीवी समाचार आपको अच्छे लगे तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए।